हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। प्रगति सूत्र, संपूर्ण दस्तावेज आपकी सफलता के लिए, जिसे लिखा है संजय जैन महागुरु जी और नरसिंह ग्रेवाल महागुरु जी ने। इसका हम पार्ट फोर्थ देखेंगे, प्रोसेस फ्लो, 3 कार्डिनल रूल्स, 3 शक्तियां, सफलता का नजरिया, प्रथम जानकारी मीटिंग, 8 मुख्य बातें, 10 कोर स्टेप, सामूहिक ग्रुप मीटिंग, 4 दिवसीय लीडरशिप वर्कशॉप यानी दिशा, 3 कार्डिनल रूल्स, 1 कभी भी किसी दूसरे के पति पत्नी पैसा और आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं करना तथा बिजनेस में शराब का प्रयोग नहीं करना, नेवर हर्ट एनीबडीज स्पाउस ईगो मनी एंड नेवर यूज अल्कोहल इन बिजनेस, 2 कभी भी डाउनलाइन या क्रॉसलाइन के साथ नेगेटिव बात नहीं करना, नेवर टॉक नेगेटिव्स इन फ्रंट ऑफ डाउनलाइंस एंड क्रॉसलाइन, 3 अपलाइन से पूछे बिना कोई नया काम नहीं करना, डू नॉट डू एनीथिंग न्यू विदाउट आस्किंग सक्सेसफुल एक्टिव अपलाइन, 3 कार्डिनल रूल्स, जैसे हमें किसी वाहन द्वारा सफल यात्रा के लिए ट्रैफिक रूल्स का पालन करना पड़ता है, वैसे ही हमें समाज में सफलतापूर्वक रहने के लिए सामाजिक रूल का पालन करना पड़ता है। यह नियम जिंदगी के हर क्षेत्र में लागू होते हैं। किसी भी देश में रहना है तो देश के कानून को मानना होता है। हम किसी भी क्षेत्र में हो, हमें उस क्षेत्र के कानून को या रूल्स को मानना आवश्यक होता है, तभी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही हमें स्वस्थ रहने के लिए शरीर को कुछ नियमों का पालन करना होता है। ठीक इसी प्रकार हमें नेटवर्क मार्केटिंग में बड़ी टीम बनाने के लिए और बड़ी सफलता प्राप्त करने के लिए तथा टीम को जोड़े रखने के लिए तथा टीम में अपना सम्मान बनाए रखने के लिए भी ये रूल्स जरूरी है। हर सफल समझदार तथा इज्जतदार नेटवर्कर 3 कार्डिनल रूल्स का पालन पूरी निष्ठा के साथ करता है, और अगर कोई जाने अनजाने में नहीं पालन करता है तो पहले अपना सम्मान खोता है, फिर अपने ग्रुप को खो देता है। इस बिजनेस में 3 कार्डिनल रूल्स का पालन नहीं करना तो ऐसा है जैसे कोई आदमी या औरत बड़ी मेहनत से 56 भोग तैयार करे और जाने अनजाने में थोड़ा जहर उसमें मिला दे या थोड़ी गंदगी डाल दे तो सारा भोजन बेकार हो जाता है और वह खाने वाले को नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए हर नेटवर्क मार्केटर को अवश्य ही इन रूल्स का पालन करना चाहिए। 3 कार्डिनल रूल्स का पालन किए बगैर वह इस नेटवर्क मार्केटिंग क्षेत्र में सफल हो ही नहीं सकता और टीम के अंदर सम्मान भी नहीं पा सकता है। अंततः हर नेटवर्क मार्केटर को निम्नलिखित 3 कार्डिनल रूल्स का पालन करना ही होगा, अन्यथा किसी भी वक्त वह अपना तथा अपनी टीम का नुकसान कर सकता है। 3 कार्डिनल रूल्स इस प्रकार है। 1, नेवर हर्ट एनीबडीज ईगो स्पाउस एंड मनी, नो यूज ऑफ अल्कोहल वाइल इन नेटवर्क टीम, कभी किसी इंसान का अहम पति पत्नी और पैसे को आघात ना पहुंचाइए तथा टीम में कभी भी मदिरा का सेवन ना करें। हम बारी बारी सभी पहलुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ईगो अहम को लेते हैं। अहम ईगो हम लोगों के बिजनेस में है और हर इंसान का अपना एक अहम होता है। अगर हम नहीं रखते हैं तो हमारी जबान से शरीर से कोई बात या हरकत ऐसी हो सकती है जो सामने वाले इंसान के अहम को ठेस पहुंचा सकती है।
इसीलिए हमें कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे दूसरे इंसान के ईगो को ठेस पहुँचे। हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले कभी भी किसी प्रकार की बुराई किसी के सामने ना करें। अगर आप अपनी टीम के एसोसिएट के अंदर कुछ कमी नोट करते हैं और उसकी भलाई चाहने की वजह से उसे बताना चाहते हैं तो हमेशा अकेले में बताइए तथा उसकी कमी बताने से पहले सैंडविच अप्रोच का पालन करें। पहले एक अच्छाई बताइए, फिर उसकी कमी बताइए तथा कमी का इलाज बताइए और अंत में फिर उसमें अपना विश्वास जताइए तथा उसकी एक सच्ची प्रशंसा के साथ अपनी बात पूरी करें। इसके लिए मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि आप लोक व्यवहार में कुशलता नामक पुस्तक जिसके लेखक डेल कार्नेगी है उसको 2-3 बार पढ़ें तथा उसमें लिखे हर प्रकार के मानव व्यवहार की जानकारी लेकर उसको अपनी ज़िंदगी में भी अपनाइए। दूसरी बात यह है कि दूसरों का ईगो का ध्यान रखें कि ठेस ना पहुँचे और खुद भी ईगो न पाले, क्योंकि खुद के ईगो को पालने वाले और अपने ईगो को ऊंचा रखने वाले अपनी उन्नति पर समुचित फोकस नहीं कर पाते। दूसरों के ईगो को भी हर्ट ना करें। दूसरा, नेवर हैव आईज ऑन एनीबडीज पॉज। दूसरा, नेवर हैव आईज ऑन एनीबडी स्पाउस। किसी के पति या पत्नी के प्रति कुदृष्टि ना रखें। दोस्तों, यह बिजनेस एक बहुत ही नोबल तथा चरित्र निष्ठा वाला बिजनेस है। किसी भी हालत में कोई भी इंसान बिना चरित्र निष्ठा के ये बिजनेस नहीं कर सकता है। इस बिजनेस की मीटिंग में किसी का पति, किसी का भाई, बेटा तथा बहन, पत्नी, बेटी, सब लेडीज तथा जेंट्स शामिल होते हैं। अगर हम अपने चरित्र के प्रति निष्ठावान नहीं है तो ये तय है कि लोगों की नज़रों में हमारी गुडविल खराब हो सकती है तथा संपूर्ण बिजनेस समाप्त हो सकता है, क्योंकि यहाँ बिजनेस पूरी तरह गुडविल तथा चरित्र पर ही चलता है। कोई भी आदमी ऐसे इंसान के साथ खुद व अपने परिवार को नहीं जोड़ना चाहता जिसकी आबरू या गुडविल शक के दायरे में है तथा चरित्र पर किसी भी तरह का दाग है। इसीलिए इस बिजनेस में सफल होने के लिए ज़रूरत है कि हम किसी भी जेंट्स या लेडीज़ के प्रति भाई या बहन, बेटा बेटी जैसा पवित्र भाव रखें तथा उचित बर्ताव करें ताकि हमारा चरित्र व हमारी गुडविल बरकरार रहे। तीसरा, मनी बोरिंग लोन गिविंग, पैसे का लेन देन। इस पवित्र बिजनेस में किसी भी प्रकार के पैसे का उधार लेना व उधार देना सख्त मना है, क्योंकि ये बिजनेस आपस के रिश्तों पर आधारित है और पैसे को रिश्तों को तोड़ने में महारत हासिल है। इसलिए इस बिजनेस में पैसा लेना और देना सख्त मना है। दूसरी बात, यह कैश एंड कैरी बिजनेस है। यह इकलौता बिजनेस है जिसमें किसी प्रकार की इन्वेंटरी नहीं रखी जाती, ना ही हमें इस चक्कर में पड़ना चाहिए, क्योंकि अगर उधारी के लेन देन के चक्कर में पड़ गए तो हमारे रिश्ते में खटास आ सकती है। दूसरा, हमारा जो मुख्य काम है जैसे टीम बनाना व उनको कोर बनाना तथा लोगों के काम पर फोकस करना, वो नहीं हो पाएगा तथा मकसद से भड़क जाएंगे। एक जगह मैंने पढ़ा या जो सच प्रतीत होता है वह है, अगर आप सच्ची मानसिक शांति चाहते हैं तो अपना लेन देन साफ रखें और टीम के अंदर भी लेन देन ना करें। अगर किसी तरह का लेन देन करना ही है तो बैंक से करें या मार्केट में जो पेशा ही लेन देन का करते हैं उनके साथ करें। अपने इस बिजनेस को लेन देन से मुक्त रखें, वरना खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहें। फैसला आपका है,
जो आप बोएंगे वो फसल भी आप ही काटेंगे। लेन देन के बड़े बड़े समझदार नेटवर्कर को खामियाजा भुगतते देखा गया है। इसीलिए ध्यान रखें, इलाज से परहेज हमेशा अच्छा होता है। चौथा, नो यूज ऑफ अल्कोहल इन नेटवर्क टीम। कभी भी टीम व नेटवर्क के अंदर मदिरा सेवन भूलकर भी ना करें। किसी भी प्रकार का नशा करके मदिरा या अन्य टीम मीटिंग में जाना तथा टीम के साथ फोन पर बात करना पूरी तरह से वर्जित है। अमेरिका जैसे देश में जहां मदिरा पीना व मांस खाना एक आम बात माना जाता है, वहां पर भी डायरेक्ट सेलिंग की मीटिंग में मांस व मदिरा का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस वजह से दुनिया का बहुत बड़ा नेटवर्क संगठन बना हुआ है। किसी भी प्रकार के नशे की हालत में इंसान दूसरों की भावनाओं तथा ईगो को भी ठेस पहुंचा सकता है। अगर किसी को शौक है तो वह टीम या नेटवर्क से बाहर रहकर ही अपना शौक पूरा करे, अन्यथा किसी को हक नहीं सब लोगों के प्रयास से बनाई गई टीम पर विपरीत या नकारात्मक प्रभाव छोड़े। ये डायरेक्ट सेलिंग का कार्य होशो हवास में रहकर करने का है, ना कि नशे में डूबकर करने का है। वैसे भी अगर सच्चा और सुलझा हुआ नेटवर्क मार्केटर है तो उसे डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस के नशे के अलावा दूसरे नशे की जरूरत ही नहीं है। दूसरा कार्डिनल रूल, नेवर 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 टॉक निगेटिव इन फ्रंट ऑफ डाउनलाइन एंड कोलाइन। कभी भी अपनी डाउनलाइन व कोलाइन के सामने नकारात्मक बातें ना करें। यह बिजनेस सकारात्मक बोलने तथा सकारात्मक सुनने का है। इसीलिए कभी भी अपने डाउनलाइन तथा कोलाइन के सामने किसी भी प्रकार की नकारात्मक चर्चा ना करें, क्योंकि कोई भी नकारात्मक चर्चा तथा अफवाह आपकी टीम व आपके अपलाइन की टीम को तबाह कर सकती है। इसलिए कहा जाता है, कभी भी किसी टीम के बारे में निगेटिव बात न करें। गांधी जी ने भी बोला है, बुरा भी मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग सिद्धांत कहते हैं कि बुरा मत सोचो। देखने में आता है बड़े बड़े सीनियर लेवल के मार्केटिंग लीडर भी अपने को बड़ा बनाने के लिए, अपने अहम को संतुष्ट करने के लिए अपलाइन तथा सिस्टम के बारे में नकारात्मक बातें करते हैं, जिससे पहले तो लोगों की नज़रों में उनकी इज्जत कम हो जाती है, दूसरा ऐसे इंसान से सब लीडर बचकर रहना पसंद करते हैं। किसी भी लेवल पर किसी भी वस्तु, प्रोडक्ट व सिस्टम के बारे में कभी भी भूल कर भी निगेटिव ना सोचे। बोलना तो बहुत ही दूर की बात है, क्योंकि निगेटिव सोचकर या बोलकर आज तक कोई सफल नहीं हुआ है। किसी भी एसोसिएट की कोई भी एक नकारात्मक बात उसके बने बनाए बिजनेस को तहस नहस कर सकती है। इसीलिए किसी भी प्रकार की निगेटिव बात सोचना व बोलना सख्त मना है। अगर बहुत ही आवश्यक है, कहीं कुछ सुधार या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो हम वे सब बातें अपने सफल सशक्त अपलाइन के साथ शांत स्वभाव से सुधार व सोल्यूशन पर चर्चा करें। किसी भी प्रकार की निगेटिव समूह चर्चा व अफवाह फैलाना निंदनीय है। इसीलिए सपने में भी निगेटिव बात ना करें। कई लोग सोचते हैं कि को लाइन के सामने जानबूझकर नकारात्मक बातें करने से हमारा क्या नुकसान है, लेकिन वे महामानव ये भूल जाते हैं कि यह सिस्टम डुप्लीकेशन का है। अगर आप कर रहे हैं वह डुप्लीकेशन हो गया, तो आपकी टीम में भी तो एक दूसरे के सभी को लाइन है। वे भी आपको देखकर व सुनकर एक दूसरे की को लाइन के सामने निगेटिव बातें करने लग गए तो क्या होगा, सब खेल खराब हो जाएगा। इसीलिए हर हाल में सकारात्मक सोचे। तीसरा कार्डिनल रूल, बिफोर डूइंग एनीथिंग न्यू चेक विथ योर सक्सेसफुल एक्टिव अपलाइन। कुछ नया करने से पहले अपने सफल अपलाइन से सलाह ले। जो भी नया एसोसिएट
इस बिजनेस में ज्वाइन करता है, उसके दिल में जल्दी से जल्दी बिजनेस बढ़ाने की तमन्ना जागती है। तरह तरह के विचार मन में आते हैं। उनको लगता है अखबार में विज्ञापन देने से बिजनेस फास्ट हो सकता है, लोकल चैनल में विज्ञापन देने से सबको पता लग जाएगा तथा बहुत सारे लोग इकट्ठा ज्वाइन हो जाएंगे। मैं शादी में जाकर बहुत सारे रिश्तेदारों को इकट्ठा प्लान बता दूंगा तो सारे लोग मेरे साथ आ जाएंगे। लेकिन यह परंपरागत व्यवसाय नहीं है, इसे करने का तरीका अपना है। यह व्यवसाय 8 बेसिक 4 टीम बिल्डिंग स्टेप तथा 10 कोर स्टेप्स और 3 कार्डिनल रूल के आधार पर ही चलता है। इसीलिए कोई भी नया काम करने से पहले अपने सक्सेसफुल अप्लाइन से चेक करा ले। हो सकता है जो आइडिया आपके दिमाग में आया है वही आइडिया आपसे पहले किसी ने अपनाया हो और नुकसान उठाया हो, तो आप फ्री में सलाह पाकर होने वाले नुकसान से बच सकते हैं। आम इंसान खुद गलती करके ठोकर खाकर सीखता है और स्मार्ट इंसान दूसरों की गलतियों से सीखता है। इसीलिए ज़रूरी नहीं आप भी गलत कर के सीखें। अगर आप समझदार हैं तो ज़रूर सफल लोगों के अनुभव का फ़ायदा लेना चाहेंगे। अगर हमको पता चल जाए कि जहर खाने से इंसान की बुरी हालत हो जाती है तो जानकर मानने से ही अच्छा है, ना कि खाकर आजमाने से। इसीलिए हमेशा जो सिस्टम और अपलाइन कहते हैं वही करें तथा इसके अलावा दिमाग में कोई विचार आए तो अपलाइन के अनुभव का फ़ायदा ज़रूर लें। दूसरी बात यह है कि कुछ दिन तक सिस्टम के अनुसार कार्य करके आप सफल हो जाए, उसके बाद आप चाहे तो नए विचार ट्राई कर सकते हैं। जो सिस्टम आज तक हज़ारों लोगों को सफलता दिला चुका है उस पर विश्वास करें तथा उस पर अमल करके अपनी सफलता सुनिश्चित करें। यह हमेशा ही आपके हित में होगा। 3 शक्तियाँ 3 पावर्स। 1 बोले हुए शब्दों की शक्ति, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स। 2 समर्पण की शक्ति, पावर ऑफ सबमिशन। 3 एकता की शक्ति, पावर ऑफ यूनिटी। पाथ फॉर सक्सेस, पेशेंस, एटीट्यूड, टीचेबिलिटी, ऑनेस्टी। हमको सफल होने के लिए सफलता के 8 मूल मंत्रों पर चलना पड़ेगा और उन पर चलने के लिए हमें रास्ते को समझना पड़ेगा। पाथ, पेशेंस, एटीट्यूड, टीचेबिलिटी, ऑनेस्टी। पेशेंस, धैर्य। हमें समझना पड़ेगा कि हर कार्य को करने के लिए दुनिया के कुछ सिद्धांत काम करते हैं, जैसे पैरेटो के नियमानुसार 80-20 का सिद्धांत है। 1 लीटर दूध है तो उसमें 200 ग्राम खोया ही निकलेगा। रेल में अगर 25 डिब्बे है तो लगभग 5 डिब्बे ही एसी के होंगे। दुनिया में 100% में से 80 लोग आम हैं और 20% लोग ही अमीर ज़िंदगी जीते हैं। चाहे हमारे बिजनेस का प्लान कितना भी अच्छा हो, लेकिन हमारे बिजनेस में नए लोगों में भी 100 में से 20 लोग ही आने का निर्णय ले पाएंगे। हमको दिल छोटा नहीं करना है। एक दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सर्वे में यह बताया है कि 10-7-4-1 का रेशियो काम करता है। 10 लोगों से आप संपर्क करेंगे तो केवल 7 लोग बात करने के लिए उनमें से करेंगे बात करेंगे और उनमें से 4 लोग आपकी सुनेंगे और उनमें से केवल 1 व्यक्ति आपके साथ जुड़ जा सकता है या आपका प्रोडक्ट ले सकता है। SW रूल्स। सम विल कम, कुछ आएंगे। सम विल नॉट कम, कुछ लोग नहीं आएंगे। सो व्हाट, तो क्या फर्क पड़ता है। समवन इज वेटिंग, कुछ लोग इंतज़ार में है। सो स्टार्ट वर्किंग।
इसलिए काम शुरू करो। खेती में भी किसान के 100 बीज नहीं उगते। क्रिकेट खिलाड़ी को भी हर बॉल पर विकेट नहीं मिलती है, करीब 30 बॉल पर एक विकेट की एवरेज आती है। बड़े युद्ध जीतने के लिए छोटी मोटी लड़ाइयाँ हारनी पड़ती है, अब्राहम लिंकन ने कहा था। बात यह नहीं है कि आप असफल हो गए, बल्कि बात यह है कि कहीं आप असफलता से संतुष्ट तो नहीं हो गए। थॉमस एडिसन ने जब बल्ब का आविष्कार किया था तो उसके पहले वे 10,000 बार असफल हुए थे। एडिसन ने सोच लिया था कि हर असफलता उन्हें सफलता के ज़्यादा करीब ला रही है। आप तो बस लोगों को सिस्टम के मुताबिक प्लान दिखाते जाएं और रिजल्ट की चिंता ना करें, तथा भगवान श्री कृष्ण के उपदेश को हमेशा याद रखें, कर्म करो, फल के बारे में चिंता मत करो। आपको तो बस लोगों को जानकारी देते रहना है, वे जुड़ेंगे या नहीं उसकी चिंता ना करें। आप तो एक ही काम करें, आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, बस आप डटे रहे। कब आप डायमंड बन जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। यहाँ हम एक बात और शामिल करना चाहते हैं कि अगर रिजल्ट कम दिखाई दे तो आप अपने प्लान दिखाने की संख्या बढ़ा दें, क्योंकि कंचे के खेल में आपने देखा है कि यदि अगर आपके पास एक या दो ही कंचे हैं तो कोई गारंटी नहीं कि बिल या गड्ढे में चले जाएंगे, लेकिन 40 या 50 या उससे ज़्यादा कंचे आपके मुट्ठी में है, और बिल में दो डालने हैं तो आप अगर आग बंद करके भी डाल देंगे तो 2-4 कंचे तो उस बिल में डल ही जाएंगे। और भगवान की दया से हमारे बिजनेस में लोगों को ज़रूरत रहती है और हमारे भारत देश में लोगों की कोई कमी नहीं है। बड़े बड़े बिजनेस करने वाले बताते हैं किसी भी बिजनेस को सही जमाने के लिए या सफल करने के लिए कम से कम 1,000 दिन तक उसे करते रहने की निहायत ज़रूरत है। ये कोई दिहाड़ी मजदूरी नहीं है कि शाम को 5 बजे और खड़े हो गए मजदूरी के लिए। आखिर में आप यहाँ पर इंडिपेंडेंट बिजनेस ऑनर है। आप एक स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाले मालिक की हैसियत से काम करते हैं। धैर्य रखें और लगातार करते रहें। एटीट्यूड, नज़रिया। इस बिजनेस में हमें हर इंसान के प्रति हर परिस्थिति में सकारात्मक नज़रिया रखना चाहिए। एक आदमी बोलता है गिलास आधा खाली है, दूसरा बोलता है आधा भरा है। एक बार दो व्यक्ति तैयार होकर साधारण कपड़े पहनकर घर से निकले। जैसे ही बाहर आए दोनों पर एक चिड़िया ने विष्ठा कर दी। एक ने तो भगवान को गाली देना शुरू कर दिया और बोला ऊपर वाले का दिमाग खराब है, उसको चिड़िया बनाने की क्या ज़रूरत थी, सारे उल्टे काम करता है। लेकिन उसी समय दूसरे आदमी ने बोला हे ईश्वर आप धन्य है, आपने चिड़िया को उड़ना सिखाया, अगर भैंस को उड़ना सिखवा देते तो क्या होता, अगर भैंस उड़ती और गोबर सिर पर गिर देती तो। हनुमान जी का एक उदाहरण है। जब लंका पर चढ़ाई करने के लिए पुल का निर्माण कार्य चल रहा था, उस समय के कारागिर नल व नील हर एक पत्थर पर राम का नाम लिखकर तैर रहे थे। भगवान राम के मन में एक विचार आया कि ये लोग मेरा नाम लिखकर पानी में पत्थर तैरा रहे हैं, तो क्या मैं जब पानी में पत्थर डालूंगा तो क्या वह भी तैरेगा। उन्हें
इतना संकोच हुआ कि अकेले में सुबह सुबह पत्थर डालकर देखने का निर्णय लिया। भगवान श्री राम सुबह 4 बजे उठकर एकांत देखकर पानी में पत्थर डालने लगे। वे चारों तरफ देखा कि कहीं कोई है तो नहीं, वरना कहीं ऐसा ना हो मैं पत्थर डालूं और वह डूब जाए तो लोग क्या सोचेंगे कि ये कैसे भगवान है, भगवान का अवतार है। और राम भगवान राम ने एकांत पाकर पत्थर पानी में डाला, वह डूब गया। दूसरा डाला, वह भी डूब गया। भगवान राम को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कैसी माया है, मेरे डाले हुए पत्थर तो डूब रहे हैं, और घबराकर पीछे देखने लगे। उन्हें झाड़ियों में से हनुमान जी आते हुए दिखाई दे। उन्होंने पूछा, हनुमान क्या आपने कुछ देखा? हनुमान जी ने कहा, हाँ प्रभु, मैंने सब देखा है और मैं जा रहा हूँ सब वानर सेना को बताएं। भगवान श्री राम ने कहा, पहले मुझे तो बताओ क्या देखा। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, मैंने यही देखा कि आपने एक पत्थर पानी में डाला, डूब गया। दूसरा डाला, वह डूब गया। और पत्थर डूबेंगे क्यों नहीं, वह तो डूबना ही था, क्योंकि जिस चीज़ को प्रभु राम छोड़ देंगे वह तैरेगी कैसे, वह तो डूबेगी ही। तैर तो सकती ही नहीं। इसीलिए अगर तैरना है तो अपने प्रभु को पकड़कर रखना, छोड़ना नहीं। बाटा कंपनी के एक मैनेजर को साउथ अफ्रीका में अपने सेल की संभावनाओं को देखने के लिए भेजा। उसने वहां पहुंचकर देखा कि सब लोग नंगे पैर घूम रहे हैं। उस मैनेजर ने अपने बाटा कंपनी को रिपोर्ट भेजी कि यहाँ जूतों की बिक्री का कोई अवसर नहीं है, क्योंकि सब नंगे पैर घूम रहे हैं, और उसने नकारात्मक रिपोर्ट भेज दी। कुछ महीने बाद दोबारा कंपनी के ने दूसरे मैनेजर को साउथ अफ्रीका में सर्वे के लिए भेजा। वह दूसरा मैनेजर वहाँ पहुँचा। सभी को नंगे पैर देखकर उत्साहित होकर बाटा कंपनी में टेलीफोन किया कि बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, यहाँ पर तो बहुत शोरूम खुल सकते हैं, बस इनको समझाना है कि जूते पहनने का फायदा क्या होता है। बहुत अच्छी बिक्री होगी, क्योंकि यहाँ सब लोग नंगे पैर घूम रहे हैं। टीचेबिलिटी, सीखने की जिज्ञासा। देखिए, खाली बोरी कभी खड़ी नहीं होती, इसीलिए लगातार सिस्टम, अपलाइन, मीटिंग इत्यादि के माध्यम से हमें सीखते रहने की ज़रूरत है। अन्यथा जैसे ही आप इस खूबसूरत, अनोखे और परिवार का इतिहास लिखने वाले बिजनेस को करने के लिए आगे बढ़ेंगे, आप कुछ ऐसे लोगों के संपर्क में आ सकते हैं जो आपका मनोबल गिराने की कोशिश करें। वे लोग इस संबंध में नकारात्मक बातें भी कर सकते हैं। वही कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो आपके साथ जुड़ने से पहले पूरी गंभीरता से इस बिजनेस के संबंध में मिली जानकारी की सच्चाई को परखना चाहेंगे। इसीलिए यह ज़रूरी है कि सबसे पहले आप इसकी जानकारी हासिल करके खुद को तैयार कर लीजिए। जब आप किसी प्रॉस्पेक्ट या अपने आप को इस बिजनेस का बहुत बड़ा जानकार समझने की गलतफहमी रखने वाले किसी व्यक्ति से बात करेंगे, तब इस जानकारी के कारण मिले आत्मविश्वास का लाभ आपको निश्चित ही मिलेगा। आत्मविश्वास इस बिजनेस में सफलता की कुंजी है, लेकिन यह आत्मविश्वास तभी पैदा होगा जब आपने पहले से इस बिजनेस को अच्छे से समझ लिया होगा। आपने ऑडियो पूरा सुना, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपकी सफलता की कामना करता हूँ। आपका दिन शुभ हो।